यहाँ है एक पानी से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। अच्छा, ये पानी से चलता है, कैसे? आपको 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर अपने साथ कैरी करना है। डिस्टिल्ड वाटर को आपको यहाँ से डालना है इसके अंदर, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेगा। 1.5 लाख की माचिस कहाँ है? क्या माचिस कहाँ? माचिस है आपके पास? क्या कर लाइटर है? लाइटर है, मैं इसको जला देता हूँ फिर। ये फ्यूल पे चलती है और ये 4.5 लाख की है, और वो पानी पे चलने वाली 1.5 लाख की। देखिए, मैं ये बटन एक बार दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले आ जाएगा। तो अगर आप चाबी नहीं है, आप फोन से नहीं ऑपरेट करें, तो आपके पास पासकोड भी है। आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ अनोखी बाइक जो कि पानी पे चलती है। अनोखी क्या मतलब? आसमान से उतरी है? पानी पे चलने वाली बाइक। पानी के ऊपर चलती है? नहीं, पानी आप जो है पेट्रोल की जगह डालो और चलाओ, मजे ना कर। हाँ। यार मैं तो पेट्रोल से काफी तंग हूँ यार। ये पानी पे चलती है? पानी पे, मतलब इसको पेट्रोल की जगह पानी डाले चलेगी? डालो और चलाओ। इससे पहले जब हमने इसे देखा था, तो तब भी हमने देखकर कहा था कि यार वाकई एक प्रो जो स्कूटर्स हैं वो हैं। बिल्कुल, मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा। यार ये पता है कितने की है? कितने की? 1.5 लाख की। बस ना करें। पानी पे यार मैंने सुना ही नहीं है कभी पानी बाइक चले। मतलब कोई स्पेशल पानी होता है या जो भी यूज कर दो? फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर वाटर नॉर्मल प्लांट से ले। यार वो तो नॉर्मल है, फिल्टर तो हर जगह पे लगे होते हैं। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इन्होंने निकाल लिया, बिल्कुल होना चाहिए इधर भी, पाकिस्तान में भी। हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। तो बने नहीं अभी तक मुजाहिद? गए नहीं अभी? हम बन रहे हैं। बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे स्टाफ ला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं? उस्ताद उस्ताद कहना मुजाहिद बनो। पाकिस्तानी स्कूटीज में क्या ये टेक्नोलॉजी आई अभी? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्कूटी नहीं सही से आई अभी तक, जिसे स्कूटी कहा जाए। ये जैसे इंडिया ने टेक्नोलॉजी बनाई है, क्या इंडिया से हमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए या खुद बनानी चाहिए? लेकिन अगर अडॉप्ट भी करनी चाहिए तो इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हमारी बहन है उनका फायदा हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी खुद टायरिस्ट लोग हैं। वो भी टेररिस्ट है? टायरिस्ट, हाँ सॉरी। क्या किया उन्होंने? कहाँ, किसको, किस पर धमाका करवाया उन्होंने, ये तो बताएं। धमाका तो नहीं फिलहाल उन्होंने करवाया, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो उधर रहते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं वो लोग। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि यामाहा ने दिखाई पानी से चलने वाली जो है बाइक, जो है वो झलक आ चुकी है। पहली झलक जो है देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि 2025 तक होगी ये लॉन्च, ये बाइक बहुत ही जल्द। जो आपको बता दोस्तों, यामाहा को मिली बहुत ही बड़ी सफलता, पेश किया है पानी से चलने वाली बाइक जो है, एक दो प्रोटोटाइप पानी से चलने की वजह से इस बाइक का नाम यामाहा XT500 जो है S2O रखा गया है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी गाड़ी बनी नहीं पा रही है, 90 के दशक में ही पाकिस्तान जी रहा है। जब उन्हें पता चला कि भारत में इस तरह की बाइक बन चुकी है, तो पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारत इतना आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी में, कि भारत के वैज्ञानिक जो है वो पानी से चलने वाला बाइक भी बना सकते हैं। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा नहीं था। अब उनके मुंह पर बहुत ही बड़ा जो है वो तमाचा जड़ दिया है यामाहा ने। 2025 में लॉन्च होने वाली बाइक का जो है प्रोटोटाइप पेश किया गया है। कंपनी का दावा किया है कि बाइक पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलेगी। पाकिस्तान वाले कब बनाएंगे? इंडिया बना रहे ऐसी बाइक्स और वो हैवी बाइक बना रहे, पाकिस्तान वाले कब बनाएंगे? इंडिया नंबर वन पे चल रहा है। पाकिस्तान वाले जब आ जाएगी ना क़यामत का आखिरी दिन, तब बनाएगा। अच्छा, नहीं बना सकते ऐसे? नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान। मुश्किल है, लेकिन बना सकते हैं, मेहनत करेंगे तो जरूर बनेंगे। तो सर कब बनाएंगे? इंडिया तो बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह जब हमारी ये पॉलिटिशियन से अच्छे होंगे, अच्छा प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो फिर साथ तरक्की होगी, तो फिर तभी। सर हौसला रखें, हौसला। यार मैं पागल, ये 4.5 लाख वाली बाइक जो मेरी फ्यूल पे चलती है, ठीक है, ये 4.5 लाख की है, और वो जो पानी पे चलती है वो 1.5 लाख। 1.5 लाख मैं कसम से इसको जला दूंगा। क्या हो गया भाई, ये आपने क्या फेवरेट बाइक है आपने, इतनी हैवी बाइक? हाँ यार, आग लगा नहीं इसको, फेवरेट क्या करना, 4.5 लाख के लिए और इतना पेट्रोल। ये अगर ये 4.5 लाख आपको रिप्लेस करनी पड़े उसके साथ, भाई मैं ऊपर भी दूंगा पैसे, मेरे पास थोड़ी है पैसे भी, वो सिर्फ 1.5 लाख की है। तो मुझे समझ नहीं मैं क्या करूँ यार, मतलब 1.5 लाख की बाइक और वो भी पानी पे चलने वाली। ले दोगे मुझे? पाकिस्तान में नहीं है ये, तो पहले मुझे पता था कि ऐसी बातें जो हैं वो फिर पाकिस्तान में मिलती ही कुछ नहीं है ना। कौन से कंट्री ने बनाई है यार? ये जापान की होगी फिर। यार देखो लाखों का तो पेट्रोल भी चाह रहे हैं ना। सर ये पता है कितने की है? कितने की है? 1.5 लाख की। 1.5 लाख की? हाँ। प्रेम रूप तो नहीं भाई कर रहे मेरे साथ? सर आपने करोड़ कीमत बताई, सर सिर्फ 1.5 लाख की है। यार इज पॉसिबल के ये बाइक 1.5 लाख की? अनबिलीवेबल। किस कंट्री की लग रही है? दुबई? नो। चाइना? नो। मतलब यूरोपियन है, एशियन है, कौन सा? एशियन है। इंडिया?
क्या? इंडिया, एशिया में अगर कोई ऐसी चीज आ सकती है तो बस इंडिया ला सकता है। चाइना, जापान, रशिया, ना जापानीज ना चाइनीज, कोई नहीं, बस इंडिया, ओनली एंड वन इंडिया। इंडिया के बगैर कोई नहीं ऐसी बना सकता। इंडिया ही बना सकता है पानी पे चलने वाली बाइक। हां इंडिया है, एग्जैक्टली इंडिया। चेक करो, मुझे पता था इंडिया के बगैर ऐसी, मैं कहता हूँ अनोखी चीज को बना ही नहीं सकता, इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकता। मेड इन इंडिया हो, जो भी ऐसी चीज आती है उसका मस्ट होता है मेड इन इंडिया। सर आपने बताया कि 1 करोड़ की लग रही है, लेकिन वो तो सिर्फ 1.5 लाख में दे रहे हैं इंडिया वाले। इंडिया का मेरे माइंड में नहीं, मैं तो पाकिस्तान में जितना सोच के कह रहा था ना, लेकिन 1 करोड़ इंडिया का होता तो मैं कम बता था, क्योंकि मुझे पता है अगर इंडिया इंडिया ऐसी ऐसी बाइक्स दे रहा है, ऐसी ऐसी ऑटोज दे रहा है ना, कि बंदा देख हैरान आ जाता है और उनकी प्राइस देख के बंदा शौक में चला जाता है। अगर ये पाकिस्तान को जो वो इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें तो 1 करोड़ जो मैंने बताया बात। इतनी ज्यादा बस कीमत क्यों बढ़ जाएगी भाई? भाई पाकिस्तान में करेंसी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 5 लाख तक चली जाएगी, बस यही तक कुछ होगा यार। उनकी करेंसी के हिसाब से ना देखें, आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में आ रही है, ड्यूटीज भी निकाल दे, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना आपको, आप ड्यूटीज ड्यूटी सारा निकाल के पाकिस्तान में आ रही है तो ये 1 करोड़ में चली जाएगी। पाकिस्तान को देंगे सही वैसे? नहीं देंगे, ये पाकिस्तान में आ गई तो हर पेट्रोल किधर जाएगा। दुनिया में काम हो रहा है कि पेट्रोल को खत्म किया जाए, दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ऊपर काम हो रहा है। एक भाई पाकिस्तान है जो ये सोचता है अगले साल पेट्रोल अगर ऐसा करें तो माफिया की जेबें कौन भरेगा फिर? सबसे बड़ी माफिया है ही है खुद, तो जेबें कौन भरेगा? ये खुद सबसे बड़ी माफिया। हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। बने नहीं अभी तक मुजाहिद, गए नहीं अभी? हम बन रहे हैं, बन रहे हो मुजाहिद जी? अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे स्टाफ ला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं? उस्ताद उस्ताद कहना मुजाहिद बनो और फरज सिंह मदद करो जाके। उस्ताद गए मदद करने फलस्तीन की? हाँ जी, दो दिन गए हैं। फलस्तीन के अंदर गए थे? हाँ जी। क्या बात है, क्या करके आए थे वहाँ? ओ हमें पता ही नहीं है। वो नहीं पता, बताया नहीं होगा उन्होंने? नहीं बताया। लेकिन जहाद करके आ गए हैं वो? हाँ जी। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा मुझे, मैं मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की और भारत की दुनिया में मदद किया, रशिया पे अटैक हुआ है, भारत ने कहा हम आप लोगों को संभाल लेंगे, आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं, हम आपकी सारी मदद करेंगे, इस बारे में क्या कहोगे? वो झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? वो नहीं संभाल सकते। नहीं संभाल सकते? कैसे नहीं संभाल सकते? जहादों को दें, वो जाएंगे मुजाहिद छुड़ा लेंगे। आप मुजाहिदों से फलस्तीन तो संभाला नहीं गया? वो संभालेंगे, इजाजत नहीं दे रहे। इजाजत नहीं दे रहे? हाँ जी। मुजाहिदों की इजाजत की जरूरत है? मुजाहिद का इजाजत बंद है उसकी, जहाद बंद है उनका। किसने किया बंद? हुकूमत वालों ने। हुकूमत वालों ने? नहीं, मैं बात कर रही थी उनकी अहमियत क्या है दुनिया में। बहुत अहमियत है भारत की। भारत की कोई नहीं। क्यों पता नहीं, बस मुझे इतना आता उससे। बताएं तो सही उससे। आप बताएं। बस हमारे जो आता है हमें बता दिया बस। अच्छा ये बताएं, वो दुनिया की मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे, हम दुआई दे सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। दुआई दे सकते हैं और तो कुछ कर भी नहीं सकते? कुछ नहीं करते, जाहिद बनकर इंशाल्लाह हम मदद भी करेंगे साथ। अच्छा, जाके जिहादी बनके? हाँ इंशाल्लाह। जाहिद बनके पढ़ते लिखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं एजुकेशन हासिल करते हो? नहीं अभी तो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर रहा हूँ। अब जाना भी नहीं है दोबारा? अब जाना इंशाल्लाह हिफ्ज़ करके। अच्छा, चलो अच्छी बात है जाओगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ पता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन है? नहीं नहीं बस जो मैं आता था मैं बता दिया बस। इंडिया के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। कुछ तो जानते होगे? नहीं हम इंडिया हमारे नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं बस। कैसा मुल्क है ये भी नहीं पता? बस ये ऐसा ही कि इंडिया मदद नहीं कर रहा। किसकी मदद नहीं कर रहा? किसकी मदद नहीं कर रहा? दुश्मन हमारे वो तो दुश्मन है हमारे। कैसे? बस ये अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो ये भी बता दो कैसे? जो आता है वही आता है जी। वो अमेरिका के साथ इंडिया तो हम भी तो चाइना के साथ है। आ गया चाइना हमारी मदद करता है। वो भी मदद कर्जा देता है? नहीं कर्जा क्या देता है, वो हमारे साथ है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन वो मुसलमानों को भी वहाँ मार रहे हैं पता है आपको? नहीं मार रहे। मार रहे हैं? नहीं मार भाई, 700 से ज्यादा मस्जिद नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने शहीद की है। ये बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है? फिर पाकिस्तान से भी हमारे 10,000 मुजाहिद गए हैं ये जिहाद के लिए। हाफिज़ साहब हमारे जो हैं बड़े। अच्छा थोड़ा गया, थोड़ा गया, आप बोलो। उन्होंने 10,000 मुजाहिद हमारे भेजे हैं जिहाद। उन्होंने भेजे हैं हाफिज़ साहब। पानी से चलने वाली बाइक की वजह से इसका नाम भी जो है यामाहा XT500 S2 रखा गया है। कंपनी कहना है कि 2016 से ही उन्होंने इस बाइक पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ओल्ड इज गोल्ड, 23 करोड़ की बिक्री, 3400 पुरानी फेयर फिल्म बनाया रिकॉर्ड यामाहा ने की बाइक पर जो है। ये जो है ये बाइक बहुत ही रिफंड होने वाली है और इस बाइक को 2025 तक जो है वो
लॉन्च करने का जो है पूरी प्लानिंग रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ओरिजिनल जो है वो 500 से लेकर 499 सीसी का लगाया गया था इसमें इंजन, लेकिन ऐसा डिजाइन किया गया है कि पानी में ही ऊर्जा निकाल सकती है। और कहा जा रहा है कि इस तकनीकी से आने के बाद मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो आ सकता है। दोस्तों कंपनी ने अपनी बाइक की कीमत के बारे में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मोटरसाइकिल जगत में बहुत ही बड़ा जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। आपको मालूम है कि यामाहा ने हाल में ही जो है कोरोना को देखते हुए उस समय पहले वर्चुअल स्टोर में लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म के तहत यामाहा के बाइक जो है स्कूटरों को वर्चुअल स्टोर में जो है प्रदर्शित किया जा रहा है, जहाँ पर लोग जाकर बाइक को देख रहे हैं, जहाँ ग्राहकों को वाहन ऑनलाइन खरीद सकते हैं अब। और कंपनी ने वर्चुअल स्टेट पर जो है टिप्पणी करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म में भविष्य में वाहन को बेचने का साधन जो है वो बना जाएगा और इस गाड़ी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी मार्केटिंग जो है तगड़ी बनेगी। ये गाड़ी जो है वो विदेशों तक बिकेगी और ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हैं कि भारत जो है कितना टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है और पाकिस्तान अभी भी जो है वो 90 के दशक में ही जी रहा है।